सो नेक्स्ट बेटा, मेरे पास दो रिएक्शंस दे रखी हैं और मुझे K1 और K2 में रिलेशन बताना है। तो रिएक्शन क्या है बेटा, पहली 3A2 प्लस B2 गिव्स 2A3B। इसके लिए क्या है मेरे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अब मैंने क्या किया बेटा, दूसरी रिएक्शन में एक तो इन्वर्स कर दिया, ध्यान से देखना, पहली वाली रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया और फिर किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं पहली वाली रिएक्शन को क्या करूंगा, इन्वर्स कर दूंगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, इन्वर्स करके ऐसे हो जाएगा 3A2 प्लस B2, ठीक है, और किससे डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर मुझे कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 मिलेगा। सो K2 इज इक्वल टू, पहली वाली रिएक्शन को क्या किया बेटा, इन्वर्स, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन्वर्ट हो जाता है, 1 अपॉन में लिखते हैं, जैसी मैंने रिएक्शन इन्वर्स करी। तो रिएक्शन इन्वर्स करी तो K2 के किसके बराबर हो जाएगा, K1, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, पहली वाली एक रिएक्शन को क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से मतलब जिससे डिवाइड करते हैं वो उतना ही पावर आपके उसमें चला जाता है, क्या कहते हैं, पावर में चला जाता है जिस वैल्यू से मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। तो मैंने किससे डिवाइड किया, हाफ से डिवाइड किया, तो हाफ पावर में आ गया, यानी कि K2 किसके बराबर होगा, 1 अपॉन अंडर रूट K1 के। K2 किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन अंडर रूट K1 के। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन इज फोर्थ वाला, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन इज फोर्थ।